दोस्तों, एक समय की बात है, वनवास के दौरान भगवान राम अपने आराध्य शिवजी की पूजा में लीन थे। वह स्तुति करते करते शिवलिंग पर पंचमुखी बेलपत्र चराते जा रहे थे और उनके मुख से जय शिव शंभु के घोष भी निकलते जा रहे थे। जब पूजा संपन्न हुई, तब माता सीता ने उनसे पूछा, हे प्रभु, आप शिवलिंग पर पंचमुखी बेलपत्र क्यों चरा रहे थे? चार पांच दल वाले बेलपत्र पेड़ पर बहुत कम क्यों मिलते हैं? और अगर किसी को ये बेलपत्र मिल जाए तो इनका मिलना क्या संकेत देता है? आखिर क्यों चार पांच दल वाले बेलपत्र सिर्फ कुछ ही लोगों को मिलते हैं? और ये भी बताएं कि शिव के साथ शंभु का उच्चारण आप क्यों कर रहे थे? तब भगवान राम ने माता सीता से कहा, सीते, शंभु एक शिव भक्त था जिसने पंचमुखी बेलपत्रों से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। देवी सीते, आओ तुम्हें इस भक्त की कथा सुनाता हूँ। दोस्तों, स्वागत है आपका सीताराम टीवी पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, क्या आपने भी कभी माता सीता की तरह सोचा है, शिव के साथ शंभू क्यों लगाया जाता है? नहीं सोचा न? खैर, आज हम आपको बताएंगे शंभू कौन था और कैसे शंभू ने पांच दल वाले बेलपत्रों से भगवान शिव को प्रसन्न किया, क्यों शंभू का नाम शिव से जोड़ा जाता है। इन सारे सवालों के जवाब बहुत कम लोगों को ही पता है। आज के इस वीडियो में हम पांच दल वाले बेलपत्रों की महिमा के बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही शंभू के जीवन पर भी रोशनी डालेंगे। आइए जानते हैं भगवान राम ने माता सीता की जिज्ञासा को कैसे शांत किया। भगवान राम सीता से कहते हैं, एक बार की बात है, स्वर्गलोक के राजा इंद्र पृथ्वी वासियों का हाल चाल जानने पृथ्वी लोक की ओर चल दिए। पृथ्वी लोक में पहुंचकर इंद्र ने देखा कि एक मंदिर में लोग भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं, बेलपत्रों को चढ़ाकर हर हर महादेव और शिव शंभू का जय घोष कर रहे हैं। राजा इंद्र को ये बात तो समझ में आ गई कि हर हर महादेव के घोष से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, पर उन्हें ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई कि शिव के साथ शंभू क्यों लगाया जाता है। यही सोचकर वो फिर से स्वर्गलोक की ओर चल पड़े। स्वर्गलोक में पहुंचकर उन्होंने अपने साथियों से पूछा कि शिव के साथ शंभू क्यों लगाया जाता है, पर किसी ने उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। तभी अचानक नारायण नारायण कहकर नारद जी प्रकट हुए। राजा इंद्र ने नारद मुनि को प्रणाम किया और उनसे पूछा, हे महाज्ञानी नारद, कृपया मुझे बताएं भगवान शिव के साथ शंभू क्यों जोड़ा जाता है। नारद मुनि हंसने लगे और कहा, हे इंद्र, ये पांच दल वाले बेलपत्रों की ही महिमा है कि शंभू शिव के साथ जुड़ा हुआ है। इंद्र बोले, हे मुनि, कृपया मुझे अशंभू की कथा सुनाएं, मेरी जिज्ञासा को शांत करें। नारद बोले, हे इंद्र, ये सतयुग की कथा है, सुनो। जंगल में एक 10 साल का शंभू नाम का लड़का रहा करता था। उसको जंगल में रहने वाले भील जाति के लोगों ने पाला था। शंभू बहुत ही मासूम और नासमझ लड़का था। वह केवल एक चीज जानता था कि उसे कैसे जीवित रहना है। जंगल के कंदमूल फलों को खाकर वह अपना पेट भरा करता था। वह जंगल में अपनी कुटिया में अकेला रहता था। कुटिया के सामने एक बेलपत्र का पेड़ था। वह अक्सर अपने बेलपत्र के पेड़ से बातें किया करता था। वहीं बेलपत्र का पेड़ खुद को हिलाकर उस मासूम की बातों का उत्तर दिया करता था। दिन इसी तरह बीत रहे थे। केवल फल खाना और नदी के पानी को पीकर शंभू अपने आप को जीवित रखना जानता था। एक दिन खाने के लिए फलों की तलाश में वह जंगल में अपना रास्ता भटक गया और अचानक उसने देखा कि कुछ लोग नदी के किनारे पर बने एक पत्थर के बड़े घर के चारों ओर घूम घूम के कुछ गा रहे हैं। शंभू पढ़ा लिखा तो नहीं था, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने देखा कि कुछ लोग उस घर के अंदर पत्थर पर फूल फल और नारियल चरा रहे हैं। शायद उसने सोचा यह कोई बड़ी जगह होगी जहां लोग निवास करते होंगे, पर यह एक प्राचीन मंदिर था। लेकिन शंभू नहीं जानता था कि मंदिर क्या होता है, क्योंकि उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था। पर इसके बारे में जानने के लिए वह काफी उत्सुक था। वह पेड़ की ओट से लोगों को देख रहा था। उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि लगभग सभी लोग उस मंदिर से नहीं चले गए। अंत में उसने एक आदमी को पत्थर के बड़े घर से बाहर आते देखा और उससे बात करने का फैसला किया। और शंभू ने उससे अपने मन में आए कई सवाल पूछे। उसका पहला प्रश्न था, इस पत्थर के बड़े घर को क्या कहा जाता है?
लोग अपने साथ क्या लाते हैं? फिर उन चीजों को अंदर वाले पत्थर में क्यों छोड़कर वापस आ जाते हैं? चीजों को अपने साथ लाना और उन्हें अंदर छोड़कर वापस चले जाने पर वह आदमी शंभू की अज्ञानता व मासूमियत पर बहुत ही हैरान था और उसके सवालों से चकित भी था। पर यह वह आदमी नहीं जानता था कि शंभू पास के जंगल में रहता है और कंदमूल और फल खाकर अपना जीवन यापन करता है। लेकिन फिर भी उसने उसके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की। उसने शंभू को बताया, यह भगवान शिव का मंदिर है, लोग यहां उन्हें फल और फूल चराने आते हैं। वे शिव भगवान से जो चाहते हैं वह मांगते हैं और शिव उनकी सभी की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। नारद बोले, हे इंद्र, फिर यह सुनकर शंभू तुरंत मंदिर जाना चाहता था। आदमी ने उसे अंदर का रास्ता दिखाया और शिवलिंग के बारे में बताया। शंभू ने मासूमियत से आदमी से पूछा, यह शिवलिंग क्या चीज है और हमें क्या देता है? आदमी ने बताया, हम शिवजी से जो मांगते हैं वह हमें दे देते हैं, हम सब ऐसा मानते हैं। उस आदमी ने कहा, अब अंधेरा हो रहा है, अब मुझे घर जाना होगा। और वह शंभू को वही अकेला छोड़कर चला गया। शंभू ने थोड़ा डरते हुए मंदिर में फिर से प्रवेश किया। वह एक कोने में बैठ गया और सोचा, एक पत्थर किसी को वह चीज कैसे दे सकता है जो वे चाहते हैं? इसलिए उसने इसका परीक्षण करने का फैसला किया और उसने पत्थर की प्रतिमा से कहा, हे शिव, कृपया मुझे पर्याप्त कंदमूल दे ताकि मैं भूखा न रहूं। मेरे पास आपको चराने के लिए कोई फल या फूल नहीं है, लेकिन यदि आप मुझे कंदमूल फल देते हैं तो मैं उसे आपके साथ साझा करूंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। इतना कहकर शंभू मंदिर से बाहर निकलकर अपने घर की ओर चल पड़ा। रात हो चुकी थी, वहां पानी पीकर सो गया। लेकिन रात भर शंभू को जंगल के उस मंदिर के ही सपने दिखाई दे रहे थे। अगली सुबह वह उठा और अपने बेलपत्र के पेड़ से बातें करने लगा। उसने बेलपत्र को मंदिर वाली सारी कहानी सुनाई। कहानी सुनकर बेलपत्र का पेड़ हिलारे करने लगा। मारे खुशी के बेलपत्र की पंचमुखी पत्तियां झड़ने लगी। ये देखकर शंभू खुश हो रहा था। उसने सोचा, आज क्यों न मैं इन बेलपत्रों को उस जंगल के शिव मंदिर में ले जाऊं। वह बहुत सारे बेलपत्रों को इकट्ठा करने लगा और फिर चल दिया मंदिर की ओर। मंदिर पहुंचकर उसने पत्थर की प्रतिमा यानी शिवलिंग से फिर कहा, हे शिव, कृपया मुझे पर्याप्त कंदमूल दे ताकि मैं भूखा न रहूं। मेरे पास आपको चराने के लिए केवल ये बेलपत्र है, कोई फल या फूल नहीं है। बड़े मासूमियत से शंभू ने शिवलिंग से फिर कहा, लेकिन यदि आप मुझे कंदमूल फल देते हैं तो मैं उसे आपके साथ साझा करूंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। इतना कहकर वह कंदमूल की खोज में जंगल की ओर निकल गया। उसने पूरे दिन कंदमूल की तलाश की, लेकिन उसे कोई कंदमूल नहीं मिला। वह भूख से तिलमिला रहा था। वह काफी निराश हो गया क्योंकि उसे कोई कंदमूल या कोई फल नहीं मिला था। दोपहर हो चुकी थी। अब उसे लगने लगा कि मंदिर के उस आदमी ने उससे झूठ बोला था। फिर भी उसने कंदमूल की तलाश जारी रखा। जैसे ही शाम हुई, उसने एक पेड़ में चार कंदमूल फलों को देखा। शंभू ने उन चारों कंदमूल फलों को तोड़ लिया। चूंकि उसने भगवान शिव से वादा किया था कि वह अपने कंदमूल फलों को साझा करेगा, वह कंदमूल फलों के साथ मंदिर गया। देर हो चुकी थी और मंदिर सुनसान था। शंभू ने मंदिर में प्रवेश किया और जोर से कहा, कृपया आओ और अपना हिस्सा ले लो प्रभु, आपके लिए मैं लाया हूं। वह वहां बैठ गया और अंधेरा होने तक प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। शंभू वही बैठकर शिवलिंगन पर फिर से पांच दल वाले बेलपत्रों को चराने लगा। ऐसा करते बहुत देर हो चुकी थी और उसने चार में से दो कंदमूल फलों को मंदिर में छोड़ने का फैसला किया और घर की तरफ चला गया। नारद बोले, हे इंद्र, फिर अगली सुबह जब भक्त लोग मंदिर पहुंचे तो उन्हें शिवलिंग पर पांच दल वाले बेलपत्र चरे मिले। भक्त बहुत हैरान थे। वे सोच रहे थे कि ये पांच दल वाले दुर्लभ बेलपत्र किसने चराया है। वह बेलपत्रों से की गई शिवलिंग की सुंदर सजावट देखकर आनंदित तो थे ही, साथ ही हैरान थे, आखिर वह शिव भक्त कौन है जिसने ये सुंदर कार्य किया। वह मंदिर में रखे कंदमूल फलों को देखकर भी हैरान थे। अगले दिन शंभू अपनी भूख मिटाने के लिए फिर जंगल में कंदमूल फलों की तलाश करने गया।
लेकिन इस बार उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी और उसे कुछ भी नहीं मिला। उसने सोचा, आज रात को मंदिर जाना चाहिए और शिव से पूछना चाहिए कि उनको मेरे कंदमूल का भोजन कैसा लगा। शंभू यह पूछने के लिए मंदिर गया। जब वह मंदिर पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। उस रात मंदिर में लोगों की काफी भीड़ थी। शिवरात्रि की रात थी, लेकिन अबोध शंभू को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। शंभू ने चारों ओर देखा और उस आदमी को भी देखा जिसने उसको मंदिर के अंदर शिव से प्रार्थना करने के लिए कहा था। चूंकि उसे इतने सारे लोगों के आसपास रहने की आदत नहीं थी, उसने वही रुकने का फैसला किया और मंदिर के पास के एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। यह एक लंबा इंतजार था और समय बिताने के लिए उसने पेड़ से चार पत्ते वाले बेल पत्र तोड़कर जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। उस अज्ञात पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग था जिसकी पूजा लंबे समय से नहीं की गई थी। शंभू के द्वारा फेंके गए बेल के पत्ते उस शिवलिंग पर गिरे। शंभू भजनों से मंत्रमुग्ध हो गया और धीरे धीरे गुनगुनाते हुए पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। रात भोर में बदल गई और सभी भक्त मंदिर से चले गए। शंभू पेड़ से उतरा और मंदिर में प्रवेश किया। उसने देखा कि शिवलिंग की आंखों पर लाल निशान थे। वे कुमकुम के थे जो लोगों ने लगाए थे, लेकिन शंभू को यकीन था कि शिव को उनकी आंखों में परेशानी हो रही है। उसने शिव की खेदजनक स्थिति के रूप में जो कुछ भी महसूस किया, उसके लिए उसे बहुत दुख हुआ। वह उनकी मदद करना चाहता था। उसने सोचा, शिव यहां अकेले रहते हैं और बीमार होने पर उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जब तक भक्त उनसे मिलने नहीं आते, उन्हें भोजन भी नहीं मिलता। शंभू ने एक रात पहले भक्तों को शिवलिंग पर जल चढ़ाते देखा था। प्रभु को ठंड लग रही होगी, शायद वे कांप रहे हैं, उसने सोचा। आखिरकार वे केवल बेल पत्तियों से ही ढके हुए हैं। तो उसने शिव से पूछा, मेरे स्वामी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? शायद कुछ खाना या दवा। मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ? शिव ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। शंभू ने सोचा, भगवान वास्तव में बहुत बीमार है, क्योंकि वह अब उत्तर देने में भी असमर्थ है। वह तुरंत जंगल में गया, कुछ औषधीय जड़ी बूटियों को लाया और लाल निशान पर उनका लेप लगाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने कहा, लगता है कि ये अंधे हो गए हैं। मुझे प्रभु को अपनी एक आंख देनी चाहिए ताकि वह ठीक हो जाए। यह निश्चित रूप से उन्हें खुश कर देगा। उसका दिल पवित्र था और उसने वहां शिव के हाथ में रखे त्रिशूल को उठाया और त्रिशूल को अपनी दाहिनी आंख की ओर ले गया और अपनी आंख को निकालने का प्रयत्न किया। शंभू अनपढ़ था, उसे मंत्रों या पूजा के उचित तरीकों का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति की कोई सीमा नहीं थी। जैसे ही वह अपनी आंख निकालने वाला था, शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती से कहा, इस भक्त शंभू ने अनजाने में शिवरात्रि पर उपवास किया, बेल के पत्तों से मेरी पूजा की और साबित किया कि उनका दिल पवित्र है। मैं अपने इस भक्त पर काफी प्रसन्न हूं। भगवान शिव ने शंभू से कहा, तुमने मुझे अपनी मासूमियत के कारण मुझे जीत लिया है। तुमने मुझ पर अनजाने में ही सही ढेर सारे बेल पत्रों को चढ़ाया। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, लोग मुझसे हर समय झूठे वादे करते रहते हैं और कुछ न कुछ मुझसे मांगते रहते हैं, पर जैसे ही उन्हें मुझसे मांगी चीज मिल जाती है तो वे मुझे भूल जाते हैं। दूसरी ओर तुमने मेरे साथ एक सच्चे इंसान की तरह व्यवहार किया और यह वास्तव में बहुत ही दुर्लभ है। अब से तुम मेरे इस संसार में सबसे बड़े भक्त माने जाओगे और जो भी मुझ पर चार और पांच दल वाला बेलपत्र चढ़ाएगा उसे मेरी भक्ति का वरदान मिलेगा। भगवान शिव ने कहा, शंभू, तुम्हारा नाम मेरे साथ सदा जुड़ा रहेगा। तुम कई सदियों तक जीवित रहोगे। इस बात को कहकर भगवान शिव व मां पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। तभी से लोग शिव के साथ शंभू भी लगाने लगे। नारद बोले, हे इंद्र, अगर भगवान शिव से भक्ति पाना चाहते हो तो तुमको भी उस शंभू के समान निर्मल मन का होना होगा। है जिसका मन छलकपट रहित होता है उसे ही शिव की भक्ति प्राप्त होती है। इंद्र बोले, हे मुनि, मैं समझ गया। और ये कथा सुनाकर नारद मुनि नारायण नारायण कहते हुए अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों,
राम जी के मुख से। ये कथा सुनकर सीता जी बहुत खुश हो गईं और वह भी शिवलिंग पर राम जी के साथ 5 दल वाले बेलपत्र चढ़ाने लगीं। फिर भगवान राम सीता जी से कहते हैं कि भगवान शिव को हमेशा उल्टा बेलपत्र चढ़ाया जाता है, चिकनी सतह की तरफ वाला भाग स्पर्श कराते हुए इसे चढ़ाया जाता है। बेलपत्र हमेशा अनामिका, अंगूठे और मध्यमा अंगुली की मदद से चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पण करने के साथ साथ जल की धारा भी जरूर चढ़ाएं। तो दोस्तों, ये थी कथा शंभू और बेलपत्रों के बारे में। अगर आपको भगवान राम की ये बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखे।